गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाले कि WCC 3 का जो न्यू अपडेट आने वाला है 0.5 अपडेट के बारे में, कि इसके नाम में कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, ये अपडेट कब आएगा, आपको कन्फर्म रिलीज डेट भी आज के वीडियो में मतलब पता चलने वाली है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, आपको सब पूरा फुल डिटेल के साथ बताने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले फीचर्स के बारे में। तो हमें इसके अंदर टेस्ट क्रिकेट का फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है, उसके बाद इसके नाम वुमेन्स क्रिकेट भी देखने के लिए मिल सकता है, टेस्ट मैच भी हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, इससे पहले जो अपडेट आया था उसके नाम मैं कैरियर मोड और MPL ऑप्शन अनलॉक देखने के लिए मिला था। तो इस अपडेट में हमें टेस्ट मैच और वुमेन्स क्रिकेट देखने के लिए मिल सकता है, और इस अपडेट में हमें 2 या 3 मतलब बॉलिंग एक्शन भी ऐड हो सकता है। इसके अंदर बॉलिंग एक्शन तो बहुत कम है, 2 या 3 ही बॉलिंग एक्शन है, तो हमें 2 या 3 बॉलिंग एक्शन भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। कुछ न्यू स्टेडियम भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। उसके बाद जो मैं कैरियर मोड है उसका जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो सकता है। जो हमें प्लेटिनम कॉइन, अभी जो हमें 499 प्लेटिनम कॉइन देना पड़ता है, तो वो थोड़े कम हो सकते हैं। उसका जो कॉइन्स है, हमें कम कॉइन्स में मतलब मैं कैरियर मोड अनलॉक हो सकता है, तो ये भी इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर बक्स फिक्स का अपडेट भी आ सकता है। जो इस गेम में बक्स आ रहे होंगे वो भी बक्स अब फिक्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंफर्म रिलीज डेट के बारे में। सो गाइस, अब सभी को पता होगा कि जो नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया है वो एक मंथ के अंदर 2 अपडेट देती है। हर 15 डेज में हमें एक अपडेट देखने के लिए मिलता है। अब आप बोल रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो मतलब 0.4 अपडेट था वो 28 जून को आया था, और उससे पहले जो 0.3 अपडेट था वो 12 जून को आया था। तो इन दोनों का डिस्टेंस हो रहा है 15 डेज, तो 15 डेज में हमें एक अपडेट देखने के लिए मिला था। मतलब जून के मंथ में हमें 2 अपडेट देखने के लिए मिले थे, 0.3 और 0.4। सो गाइस, ये अपडेट हमें कल देखने के लिए मिल सकता है। कि आप सभी को पता होगा कि इसका जो अपडेट आया था 0.4 वो अपडेट आया था 28 जून को, और कल मतलब इसको मतलब अपडेट आने को 15 डेज हो जाएगी। तो इसका जो अपडेट हमें कल देखने के लिए मिल सकता है, इस मंथ में हमें 2 अपडेट देखने के लिए मिलने वाले हैं, 0.5 और 0.6 अपडेट। तो 0.6 अपडेट आपको इस मंथ के लास्ट में आएगा, बट ये अपडेट हमें कल देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये अपडेट कल देखने के लिए नहीं मिला तो इस वीक के अंदर तो हमें पक्के में अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी हमारे से बात है। अब आप सभी को पता होगा कि एक APK प्योर नाम की वेबसाइट है, उस पर तो इसका अपडेट 9 जुलाई को बता रहा है कि उस पर अपडेट आ चुका है, बट वो अभी प्ले स्टोर पर इसलिए नहीं आया होगा कि इसमें कुछ बग्स आ रहे होंगे, इसलिए नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया बग्स को फिक्स करने के बाद प्ले स्टोर पर अपडेट देगी, ताकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो गेम खेलने में। तो यही इसकी बात है, तो इसलिए इस पर जो है तो अपडेट अभी लॉन्च नहीं हुआ प्ले स्टोर पर। हो सकता है जो APK प्योर पर जो अपडेट है वो सच में लॉन्च हो गया होगा, वो न्यूज़ रियल भी हो सकती है, बट मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता। सो गाइस, कल इसका अपडेट पक्के में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।